अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है जी? आप लोग के ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, ये हम रिवीजन सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। हमने जो लेक्चर नंबर 1 में जो है डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़े थे, अकाउंटिंग की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी, अकाउंटिंग एक लैंग्वेज का नाम है और इसके अलावा भी हमने कुछ जो है उसकी डेफिनेशन जो हैं की थी, ठीक है। और बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ अकाउंटिंग, ये प्रीवियस आप ऑलरेडी ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अभी जो है थोड़ा सा रिवीजन के लिए कुछ इम्पोर्टेंट भी और आप लोगों की जो क्यूरीज आई हैं उस हिसाब से भी जो है इसको जो है हम मेन मेन टॉपिक जो है मैं रिवाइज करवा देता हूं ताकि आप लोगों को मजीद अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो जाए। देखें, बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम की हम बात करने जा रहे हैं। हमने ये कहा था कि जो भी अकाउंटिंग सिस्टम हमने डेवलप करना है उसमें 3 काम हैं जो कि हमने हर हाल में करने हैं। वो क्या हैं? पहली बात ये है, इंटरप्रेट एंड रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो पहला काम होगा आपका वो यही है कि हमें बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना आना चाहिए, ठीक है। और ये बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे आप कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली बात है इसके लिए जैसे अकाउंटिंग साइकिल है हमारा आगे चैप्टर और इसको भी मैं रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। तो उसमें पहला काम ये है कि हमने जर्नल एंट्री परफॉर्म करते हुए बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है और फिर समराइज करना है, क्लासिफाई करना है, क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई सिमिलर ट्रांजैक्शन इनटू यूजफुल रिपोर्ट। अच्छा, ये लेजर बनाने का काम है, ट्रायल बैलेंस बनाने का काम है, ये सारी चीज़ों को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। और ये क्लासिफिकेशन इस पैटर्न से करनी है कि हम क्या कर लें, सक्सेसफुली एक यूजफुल रिपोर्ट हम बना लें जिस पे हम डिसीजन ले सकें। और जो तीसरा स्टेप है यहाँ पे ये देखें वो यही है, समराइज एंड कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू डिसीजन मेकर। डिसीजन मेकर को अब वो इन्फॉर्मेशन आपने क्या कर देनी है, जो है सबमिट करवा देनी है, कम्युनिकेट कर देनी है एक रिपोर्ट फॉर्म में, ताकि जो भी आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, हायर जो आपकी जो है मैनेजमेंट है, वो बिजनेस से रिलेटेड अच्छे डिसीजन ले सकें, ठीक है। तो ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की पीछे भी हमने बात की और उसके बाद अभी ये जो अकाउंटिंग सिस्टम है ये सारा का सारा इसी से लिंक कर रहा है, ठीक है। ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये देखें ना, इन्फॉर्मेशन का जो सिस्टम है कैसे फ्लो होता है ये भी हमने बात की थी कि इन्फॉर्मेशन जो है यूजर्स के परस्पेक्टिव से अगर हम देखें, ठीक है, और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या प्रोवाइड करती हैं, प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल पोजीशन एंड कैश फ्लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिसीजन सपोर्ट होगा तो वो जो है नॉर्मली परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन है, स्टॉक इन्वेस्टमेंट है, टैक्स स्ट्रेटजीज है, लेबर रिलेशनशिप्स हैं, ये सारे के सारे इस किस्म के डिसीजन लिए जा सकते हैं, ठीक है। और जो यूजर्स हो सकते हैं वो आपके पास इन्वेस्टर भी हो सकता है, क्रेडिटर्स भी हो सकता है, मैनेजर, ओनर, कस्टमर जो भी हैं, ठीक हो गया जी। चलें, ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन और अकाउंटिंग जो है बेसिक जैसे बात कर रहे थे हम अकाउंटिंग सिस्टम की, ठीक है। तो ये आप लोगों को जो है मैंने रिकॉल करवा दी है, तो ये इसकी जो डिटेल है यहाँ भी लिखी हुई है और वैसे मैंने दोबारा बता भी दी है, ठीक है। और बाकी इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही कि एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन से हैं, इंटरनल यूजर्स आपकी मैनेजमेंट है, एक्सटर्नल यूजर्स में ऑनर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं, लेबर यूनियंस हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, सप्लायर्स, कस्टमर, ट्रेड एसोसिएशन एंड जनरल पब्लिक, ठीक है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारी जो कंपनी की मैनेजमेंट है, ठीक है, वही अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, उन्हीं के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजफुल होती है। ये भी सारे एक्सटर्नल यूजर हैं जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या है कंपनी के साथ लिंक होते हैं और वो उसकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखना चाह रहे होते हैं। इसको मैंने ब्रीफली डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ, ठीक है। बाकी इस चैप्टर में हमारे पास कुछ खास सारे वैसे थ्योरेटिकल ही पोर्शन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मैंने बात की हुई है, इंटरनल अकाउंटिंग सिस्टम ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, ठीक है। और करेक्टरिस्टिक्स जो रिपोर्ट्स के हैं वो हमें पता होने चाहिए, मीन टू एन एंड है, ब्रॉडर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, हिस्टोरिकल इन नेचर होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को जो है आपने एज अ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है रीड करना है, ठीक है। बाकी जो हमारे पास नेक्स्ट जो चैप्टर था मेन, जिसमें हमने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बारे में पढ़ा था, ठीक है, ये 3 किस्म की स्टेटमेंट हमने बनाना सीखनी थी, ठीक है, और इसकी जो है हमने प्रैक्टिस करनी थी और इसका जो फॉर्मेट है वो भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन सी होती हैं जी? 3 किस्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, दोबारा दोहरा रहा हूँ, 3 फंडामेंटल स्टेटमेंट है जो कि आपने बनाना सीखी भी हैं, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट,
ठीक है, इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है, रेवेन्यू और एक्सपेंस, फाइव मेजर हेड है, ये देखें रेड मैंने जिनको किया हुआ है, ठीक है, फाइव मेजर हेड है जिनमें शामिल है एसेट है, लाइबिलिटी है और ऑनर इक्विटी है, ठीक है, रेवेन्यू है और एक्सपेंस है, ठीक है। तो ये इनकम स्टेटमेंट जितनी भी हैं हमारी, उसमें हम रेवेन्यू और एक्सपेंस को इंक्लूड कर रहे होते हैं, इनके बिहाफ पे आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, और बाकी जो बैलेंस शीट होती है उसमें शामिल होते हैं एसेट, लाइबिलिटी एंड ऑनर इक्विटी, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जो है उसमें हमारा इनफ्लो और आउटफ्लो को आप चेक करते हैं, कैश फ्लो का या इनफ्लो आउटफ्लो है, ठीक है। तो ये हमारे पास बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए भी, या ये जो है स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन भी समटाइम इसको हम कह देते हैं, कि एक कंपनी जो है जब से उस कंपनी में बिजनेस स्टार्ट किया गया या जब से वो बिजनेस कर रही है कंपनी, तो उसका नॉर्मल जो है कितना बड़ा बिजनेस है, तो वो उसकी जो है फाइनेंशियल पोजीशन अगर आपको देखनी है कि हाउ मच नंबर ऑफ डॉलर आर इन्वेस्टेड, ये क्या कितना बड़ा एक बिजनेस है, तो उसकी बैलेंस शीट से आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक हो गया बच्चों। तो ये जो है बैलेंस शीट के बारे में थोड़ा सा हमने डिटेल इसकी पढ़ी थी, कि इसमें यार एसेट होते हैं, लाइबिलिटी होती है, ऑनर इक्विटी, और यहाँ पे ये देखें आपके पास ये एसेट की लिस्ट है, और इसमें मैंने बात की थी करंट एसेट होते हैं और कौन से होते हैं, फिक्स एसेट होते हैं, ठीक है। करंट एसेट वो एसेट होते हैं जिनको आप क्या करते हैं लेस देन वन ईयर, जिनको हम कहते हैं कि हर हाल में उनकी क्या है वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, जिसमें शामिल हैं कैश है, नोट रिसीवेबल है, अकाउंट रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है, सप्लाईज हैं, ये सारे के सारे आपके करंट एसेट हैं, ठीक है। इसी तरह से लैंड, बिल्डिंग या फिर ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है, इसको हम क्या कंसिडर करते हैं, ये हमारे फिक्स एसेट हैं। ये यहाँ पे देखें जब भी आप बैलेंस शीट बनाएं तो इसको बनाने के लिए थोड़ा सा ख्याल रखना है कि सबसे पहले आपने एसेट हेडिंग देनी है और उसमें आपने करंट एसेट जो है खासतौर पे जो कैश है इसको सबसे पहले लिखना होता है, ठीक है। फिर आपने रिसीवेबल्स लिखने होते हैं, फिर आपके दूसरे जो भी करंट एसेट्स हैं वो लिखे हैं, फिर आप क्या करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग लिखते हैं फिक्स एसेट में, और उसके बाद जितने भी फिक्स एसेट आपके रिमेनिंग है उनको हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से लाइबिलिटी और ऑनर इक्विटी, लाइबिलिटी में लिखते हुए भी आपको क्या करना होता है, जो भी लाइबिलिटीज हैं करंट लाइबिलिटी, नोट पेबल है या फिर आपके पास अकाउंट पेबल है, सैलरी पेबल है, कोई भी यूटिलिटी पेबल है, ठीक है, उनको हमें लिखना होता है। और इसी तरह से फिर बैड डेट्स, सॉरी जो डेट फाइनेंसिंग है, लॉन्ग टर्म डेट्स है, वो हम लिख सकते हैं। इस तरह से आप इनको टोटल लाइबिलिटीज कर लेते हैं। और ऑनर इक्विटी की बात करें तो इसमें दो ही अकाउंट हम यूज करते हैं, एक को कैपिटल स्टॉक कहते हैं, दूसरे को हम क्या कहते हैं जी, रिटेन अर्निंग, ठीक हो गया। तो ये भी आपके पास कॉन्सेप्ट हमने जो है बात की थी। और ये देखें यहाँ पे इसका 300,000 नजर आ रहा होगा आपको ग्रीन में, तो ये दोनों का टोटल है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है बैलेंस शीट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बैलेंस शीट क्या होती है, एसेट्स क्या होते हैं, एसेट एक इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है पेपर में कि ये डेफिनेशन एसेट्स क्या होते हैं, हाँ जी, ठीक है। तो इस किस्म के क्वेश्चन आपसे जो है थ्योरेटिकल पोर्शन पेपर में वैसे बहुत कम होता है, लेकिन आपसे ये पूछी जा सकती है, हाँ जी एसेट्स को डिफाइन करें, अकाउंटिंग के जो हेड हैं उनको आप डिफाइन करें, तो वो आपको पता हो, ओके जी। चले जी, ये हमारे पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल थे, जिसको कॉस्ट प्रिंसिपल हमने कहा था, स्टेबल डॉलर रिजम्पशन, ऑब्जेक्टिव डी प्रिंसिपल कहा था, गोइंग कंसर्न कहा था, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है एक एक्चुअल जो कॉस्ट है, ठीक है, उसी से रिलेटेड है, कि आपने एस्टिमेटेड वैल्यू नहीं लिखनी होती, जो रियल कॉस्ट पे आपने परचेज किए। यहाँ पे हमने कहा था ना लैंड हमने परचेज किया, बाद में बेशक उसकी प्राइस ज्यादा भी हो गया तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 1 लाख, ठीक हो गया। चलिए जी, ये आपके पास कुछ प्रिंसिपल्स है। अच्छा जी, तो आगे जो है बात हम करेंगे स्टूडेंट इनकम स्टेटमेंट की। ये लाइबिलिटी को डिफाइन आपने किया, लाइबिलिटीज का भी हमें पता है, करंट ऑब्लिगेशन, ऑनर इक्विटी की भी हमने बात की है, ठीक है। तो अब अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी, ठीक है, ये बात हम कर चुके हैं। और इनकम स्टेटमेंट में जैसे बात मैं कर रहा था, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस को आपने देखना होता है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे रेवेन्यू है, एक्सपेंस है, प्रॉफिट है, जो भी इसको आप कह रहे हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू, एक्सपेंस, प्रॉफिट, अच्छा अब इसमें आपने क्या करना है, सेल माइनस लेस करना है हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, इज इक्वल टू कर देना है ग्रॉस प्रॉफिट को, ठीक है। फिर माइनस करना है सारे के सारे जनरल जितने भी आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस हैं, सेलिंग एक्सपेंस हैं, जितने भी हैं, ठीक है। तो ईबीआईटी आ जाएगा,
फिर आपने जो है इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो माइनस कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा ईबीटी आ जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर टैक्स चार्जेस डालने हैं आपने, और टैक्स के बाद अर्निंग आफ्टर टैक्स हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास जो है इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट था, ये एक एग्जाम्पल आपके लिए है, आप इसको व्यू कर सकते हैं, रियल एग्जाम्पल, ठीक हो गया। और स्टेटमेंट ऑफ जो कैश फ्लो है उसमें भी हमने कहा था तीन एक्टिविटीज होती हैं, जिनको आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी का नाम देते हैं, इन्वेस्टिंग, और जो है आपके पास ऑपरेशनल एक्टिविटी, ठीक है। तो उसका जो एग्जाम्पल था उस चीज को आप व्यू कर लें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जी इसमें हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में देखना है, लेकिन इसका अभी तक हमने जो है जस्ट इसके फॉर्मेट को देखें, अभी तक इसको बनाना हमने नहीं सीखा है, तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको नहीं बनाना के लिए आएगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्मेट को जो है आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी उसमें प्लस माइनस कैसे करना है, ठीक हो गया। चलें जी, ये हमारे पास पहले दो चैप्टर थे, उसकी जो है जो मेजर टॉपिक्स थे उनको मैंने रिवाइज किया, ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज़।